अपनी बॉडी को हेल्दी और स्ट्रांग बनाए रखने के लिए आजकल मल्टी विटामिन या सप्लीमेंट्स का लेना बहुत कॉमन हो गया है। हमारी बॉडी की फंक्शनिंग की नॉलेज आज हमारे पास इतनी है कि हमें पता है कि बॉडी में क्या न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, तो वो न्यूट्रिएंट्स डाइट और सप्लीमेंट से लेना ठीक भी है, वरना न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज हमारी बॉडी में हमारी स्किन, हमारी हेयर, हमारी डाइजेशन और हमारी ओवरऑल इम्यूनिटी को कम कर सकती है। तो हेल्दी और डिजीज फ्री रहने के लिए सबसे जरूरी चीज है एक बैलेंस डाइट लेना। पर वो बैलेंस डाइट कैसी होती है, आइए इसके लिए बात करते हैं हमारी डाइटिशियन आकांक्षा मिश्रा जी से। तो मैं आकांक्षा मिश्रा, मैं क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसी होनी चाहिए हमारी रोगों से मुक्त रखने वाली थाली। आपके दिमाग में ख्याल आ रहा होगा कि हो सकता है ये चीज़ महंगी हो, बिल्कुल भी नहीं। जो आपकी रसोई में जो भी चीज़ें उपलब्ध हैं, मैं उन्हीं चीज़ों के हिसाब से बताऊंगी सब कुछ, हर बजट के हिसाब से बताऊंगी, हर टेस्ट के हिसाब से बताऊंगी, बहुत सारे ऑप्शंस दूंगी, तो अपने हिसाब से मिक्स एंड मैच करके उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहला आपको क्या करना है, अपनी एक थाली लेनी है, जनरली मीडियम साइज़ की थाली प्रेफर करते हैं। इसको हमें तीन भागों में बांटना है, एक हिस्सा एक चौथाई, दूसरा हिस्सा एक चौथाई और जो तीसरा हिस्सा है वो बाकी का आधा। तो अब आपको क्या करना है, जो पहला एक चौथाई हिस्सा था उसमें आपको अनाज फिल करना है, अनाज वाली चीज़ें रखनी है। क्या क्या आएंगे उसमें, उसमें आप रोटी, चावल, ब्रेड हो गया, आप थोड़ी इंग्लिश चीज़ें लेना चाहें तो आप पीटा ब्रेड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नूडल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, टॉर्टिया चिप्स भी उसी के अंदर में आएंगे। तो जो भी आप अपना अनाज चूज़ करना चाहें आप कर सकते हैं इस एक चौथाई हिस्से में, रेशियो जो है, अनुपात जो है एक चौथाई रहेगा। और ये घर का कुक होना चाहिए, बाहर का पैकेट वाला नहीं, ब्रेड ऑब्वियसली बाहर का लेके आएंगे बट बाकी जो चीज़ें हैं वो घर की होनी चाहिए। कुछ भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो नॉर्मल रोटी या चावल में से कुछ भी आप चूज़ कर सकते हैं और ये एक चौथाई अनुपात में ही होना चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बाकी का जो एक चौथाई हिस्सा था थाली का, उसे हमें प्रोटीन से फिल करना है। क्या आएगा प्रोटीन वाली चीज़ों में, आप दालें ले सकते हैं, मूंग, मसूर, उड़द, अरहर, आपके जो भी दाल आपको पसंद आए कुछ भी आप आराम से ले सकते हैं। नहीं पसंद दाल, छोटे बच्चों को नहीं होती जनरली, आप उनके लिए राजमा, छोले, लोबिया और इसके अलावा आप पनीर देना चाहें तो पनीर की करी दे सकते हैं, भुर्जी बना के दे सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप बेसन की सब्जी दे सकते हैं, बेसन की कढ़ी भी दे सकते हैं, यदि मांसाहारी हैं तो अंडा इस्तेमाल कर सकते हैं, चिकन या फिश इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों में प्रोटीन अच्छी मात्रा में होता है। तो जो आधी थाली बची है आपकी, उसमें आपको रंग बिरंगी सब्जियाँ रखनी हैं, सीज़न के हिसाब से लोकल सब्जियां रखनी हैं, कोई भी कोल्ड स्टोरेज वाला या जो हम मॉल्स में देखते हैं कि अलग से पैकिंग करके रखा होता है, नहीं, आप घर में अपने आसपास में देखिए जो भी फ्रेश सीजन की सब्जी हो वो खाना है। सब्जियों में कोई लिमिट नहीं है, जो आपको पसंद आए, भिंडी, घिया, तोरी, बैंगन, पालक, मेथी, आपका सहजन हो गया, ज्वालाई हो गया, आपको तोरी, टिंडा, जो पसंद आए आप सब कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि इसकी क्वांटिटी खूब सारी होनी चाहिए। आपको अपने डाइट में मसाले ज़रूर ऐड करने हैं, ये हमारे भारतीय सभ्यता की एक बहुत अच्छी चीज़ है कि मसाले जो हैं हम अपने हर डाइट में थोड़ा बहुत मात्रा में ज़रूर रखते हैं। इनमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं हमें रोगों से लड़ने की क्षमता देते हैं, तो इसके लिए आप लौंग, इलायची, काली मिर्च, दालचीनी आदि का प्रयोग कर सकते हैं। इनके अलावा आप चाहें तो लहसुन, अदरक, जायफल, तेजपत्ता वगैरह का भी इस्तेमाल अपने रेगुलर डाइट में कर सकते हैं। तो आपने देखा कि एक हेल्दी डाइट कैसी होती है और ऐसी बैलेंस डाइट धीरे धीरे हमारी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज को कम कर सकती है। पर हमारा हमारे सब्सक्राइबर्स के साथ एक्सपीरियंस ये है कि ये लॉन्ग टर्म तक चलाना और कंसिस्टेंटली चलाना थोड़ा मुश्किल होता है, तो सप्लीमेंटेशन करना एक सही बात है। तो सप्लीमेंट्स में मैं रेकमेंड करूंगा स्प्राउट प्लांट बेस्ड मल्टीविटामिन सप्लीमेंट विद 60+ इंग्रेडिएंट्स। इस टैबलेट में 60 से भी ज्यादा एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमारी बॉडी की न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है। इस एक ही कैप्सूल में सब विटामिन, विटामिन ए, B1, B2, B3, B5, B6 और B12 मिलते हैं, साथ ही विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन सी और विटामिन ई, और इन सब के साथ कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज और कॉपर। बस एक कैप्सूल सुबह और एक कैप्सूल शाम लेने से न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज की कमी बिल्कुल खत्म हो जाएगी और प्लांट बेस्ड होने की वजह से इसका अब्सॉर्प्शन बहुत आसान है, तो है ना एकदम जबरदस्त कॉम्बिनेशन। तो अपनी सेहत के लिए एक अच्छी डाइट लें, जैसे हमारी डाइटिशियन आकांक्षा मिश्रा जी ने बताया, वो सिंपल स्टेप्स को आप फॉलो करें और साथ ही ऐड करें स्प्राउट प्लांट बेस्ड मल्टीविटामिन सप्लीमेंट। टैबलेट्स को खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर अभी क्लिक करें।